और 50 साल में क्या होगा देश में, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। भविष्य के जो आने वाले 50 साल है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार इस देश को जो मजदूर कॉलोनी बनाना चाहती है, उस पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं आने वाले 50 साल। सर हम एक कार्य वहाँ पर रखते हैं, बिल्कुल सबको कार्यक्रम आएंगे। और नंबर अनुज है। जी जी सर, टिकट साहब, सर टिकट साहब, मैं पत्रिका उत्तर प्रदेश से हूँ और आप मेले में आए हुए हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, टिकट साहब इस तरफ किस पार्टी के साथ है? हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हमने तो आंदोलन करा, पार्टी के लिए सबको प्लेटफॉर्म दिया, अपनी आवाज उठाने के लिए उनको मंच दिए, अपनी आवाज उठाओ मजबूती के साथ में, अपने एजेंडे में किसानों को शामिल करो, जनता को जिस पे विश्वास हो जाएगा वोट दे दे, हमारे कहने से कौन वोट लगा दे। देखो अभी हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश में अभी है, वो प्रवास अभी यहाँ पे कर रहा है, वो देखना जो प्रवास पे कितना वो बोल भी पाता है या नहीं बोल पाता, मौन व्रत को तो नहीं चला। आंदोलन आपका 13 महीना लगातार चला, आपने भयंकर संघर्ष की, देश दुनिया के लोग आपको जाने, किसानों की आवाज आपने बुलंद की सड़कों से लेकर पूरे सदन तक। अब राकेश टिकैत जी किधर मूव करेंगे किसानों के हित में, कौन से ऐसे मुद्दे किसान के इशू है वे उठाते रहेंगे, गांव के हैं, गरीब के हैं, मजदूर के हैं, आदिवासी का इशू है, देश में बहुत इशू है, देश का नौजवान जो बेरोजगार हो रहा है उसकी आवाज है, ये सब उठाते रहेंगे। साहब आपने आपके बयान कई बार आपने बोला है कि जो किसानों के समर्थन में रहेंगे उन पार्टियों पर आप विचार करेंगे, तो आपने नहीं, हमने समाज... ये नहीं कहा हाँ। ये हमने कभी नहीं कहा कि पार्टी पर किसी भी विचार करेंगे सर, या जनता चर्चा कर लेगी अपने आप, जनता जो करना होगा जनता फैसला कर लेगी, आधे रेट में फसल बेच के जनता जिसको वोट देना चाहती होगी दे लेगी। ठीक है।